बच्चों, आज हम लोग का हिंदी का लेक्चर है और हम लोग हिंदी का भी हम लोग कविता जो है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अभी ये पोएम का जो कविता है उनकी हम लोग पढ़ाई करने वाले। क्या है पोएम? उसके जो रचनाकार है, कवि है, उसका नाम है रमेश दत्त शर्मा। अभी ये कवि ने मतलब जो कवि ये गजल है, ये प्रस्तुत गजल, ये कवि के कविता के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। प्रस्तुत गजल शेरों शेर के शेरों में शर्मा जी प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषण होना आदि गुणों को अपमाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीख कर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। अभी ये पद्य समझ, मतलब जो कविता है, पद्य कविता जो है उसके बारे में हम लोग ने देखा कि क्या है। अभी आप देखोगे उसका नाम क्या है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अभी कवि कवि जो है रमेश दत्त, वो क्या कविता में बताने का प्रयास किया कि जरा प्यार से बोलना, जो हम लोग बोलते हैं वो भी कैसे बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, वो सीख ले, आप सीख लो, वही कवि हम लोग को बताने का कोशिश ये तो कविता में किया है। तो हम लोग कविता में देखेंगे क्या है रमेश दत्त का। देखो रमेश दत्त कौन है, वो रमेश दत्त शर्मा जी, मतलब रमेश दत्त शर्मा शर्मा जी 50 वर्ष से पत्र पत्रियों का रेडियो पर के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन या अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं उनको, विज्ञान में और पुरस्कार मिले हुए हैं, अधिक पुरस्कार मिले हैं। आप कक्षा 7-8 कक्षा के स्थानीय मशा लोग चर्चा में जलसरी के नाम में शिरकत करने लगे थे। मतलब ये बड़े वैज्ञानिक कवि हैं जो पत्र रेडियो पर उनके माध्यम से दृष्टिकोण से वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग को देते हैं। वैसे वो बड़े रमेश दत्त हैं। अभी उन लोगों ने मतलब ये कवि ने हम लोग को कविता में क्या क्या बताने का कोशिश, मतलब कवि ने क्या बताने की कोशिश हम लोग देखने वाले हैं। कवि कहते हैं वाणी में शहद खोलना सीख लीजिए। कवि क्या क्या हम लोग को सीखने के लिए बोलता है, देखो वाणी में शहद, शहद मतलब हम लोग को पता है जो मौल रहता है वो मतलब कैसे मीठा, हम लोग की वाणी जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग टॉकिंग करते हैं हमेशा, वो कैसे कैसे होनी चाहिए, शहद जैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। जरा से दरा पैर से बोलना सीख लीजिए। कभी हम लोग को कहते हैं जो आप बोलते हैं हमेशा टॉकिंग करते हो, कैसी होनी चाहिए, प्यार सी होनी चाहिए और हमेशा शहद मतलब मीठी होनी चाहिए। हम रूडली नहीं बात करेंगे, हम पूरा मतलब सॉफ्ट, हमेशा हम लोग की टॉकिंग कैसे रहनी, सॉफ्टली रहनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो कवि का कहना है कि वाणी जो हम लोग बोलते हैं तो शहद जैसी होनी चाहिए। बच्चों ये शहद मतलब जो हम लोग दूसरों से बात करते हैं तो जोर से नहीं, जो हमेशा सॉफ्टली, अगर सो हम हैप्पी रहेंगे जो हम लोग बोलते हैं, वो जो कोई सोचेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, वो भी हैप्पी और हम भी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। वैसे हम लोग की वाणी होनी चाहिए जो हम लोग बोलते हैं, जो हमेशा मीठी होनी चाहिए। और कभी कहते हैं कि जो वाणी होनी चाहिए वो शहद मीठी होनी चाहिए और जरा प्यार से बोलना चाहिए, जो हम लोग बोलते हो वैसी होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए। चुप रहने के लिए यारों बड़े फायदे होते हैं। जो हम कभी आगे कहता है चुप रहने के लिए यारों बड़े फायदे होते हैं। आप चुप रहेंगे मतलब जो हमेशा टॉकिंग करते हैं तो बड़े फायदे हो जाते हैं। आप चुप रहेंगे, जरूरत पड़े तभी बोलना और जरूरत नहीं है तभी बोलने की, मतलब जरूरत नहीं, जब बोलना चाहिए तभी बोलना चाहिए। जो हम लोग टॉकिंग करते, दो आदमी जब बीच में टॉकिंग करते, जो आदमी कोई दो औरत दो आदमी कोई रहता है पर्सन जो हमेशा टॉकिंग करता है उसके बीच जाकर नहीं बोलना चाहिए। वो जो बोल रहा है वो सुनने का, बाद में टॉकिंग करने, जो हम लोग की बात है वो बाद में बताने का। तो चुप रहने का भी क्या कहना है, चुप रहने के यार बड़े फायदे हैं। जब हम
कहे कि यार वो बड़े फायदे होते जब हम लोग चुप, जरूरत नहीं है तभी हम लोग क्या करेंगे, चुप रहेंगे तभी हम लोग का क्या हो जाएगा, फायदा मतलब फायदे जरूर। मेरा बोले कोई हम लोग से कोई झगड़ा कर रहा है और हम लोग चुप बैठे तो क्या हो जाएगा, वो बोल बोल के थक जाएगा और निकल जाएगा। तो तभी हम लोग क्या करेंगे, शांत रहेंगे, हम लोग को जरूरत नहीं झगड़ा करने की। जब हम लोग शांत बैठेंगे वो क्या कर सोचेगा, वो तो कुछ समझ में नहीं, वो तो हम लोग बड़बड़ करके मतलब निकल जाएगा, जो भी बात है वो बोल के वो निकल जाएगा। कभी कहते हैं जुम्मा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जुम्मा मतलब जी, जुम्मा मतलब क्या, जो कभी कहते हैं जुम्मा मतलब जी। जुम्मा है वो क्या करेंगे जी, कभी कहता है कि जो वक्त पर, कभी कहते हैं वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जरूरत है जब जरूरत है तभी हम लोग उनको रिटर्न आंसर कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तभी हम लोग क्या करेंगे, शांत बैठेंगे। वैसे कवि कहता है जुम्मा चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहो तो बड़ा फायदा ही है, कोई हम लोग के साथ झगड़ा करता है और बाद में हम लोग शांत रहेंगे, हम लोग को गलती है तो क्या करेगा, जो बात करते करते वो निकल जाएगा और हम लोग शांत रहेंगे, मतलब वो भी शांत हो गया बाद में और आप भी शांत हो गए। जुम्मा वक्त पर खोलो, वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जब जरूरत है तभी खोलना सीख लीजिए। और हम लोग को कोई बोलता है, हम लोग सब हमेशा हम लोग को कोई टोकता है तो हम लोग को समझ करें तो जरूरत नहीं है, सो हम लोग की गलती नहीं की है फिर भी हम लोग कोई ब्लेम कर रहा है कि आपने किया होगा आपने, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो क्लास में हम लोग के रहता है कि जो कोई हम लोग को गिरा नहीं फिर भी हम लोग के फ्रेंड होते हैं तो आपने मेरा किताब गिरा, जो भी है मेरे नोटबुक गिर दी, मेरे बैग गिर दिया, गिरा दिया आपने, तो आपने गिरा ही नहीं, आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है तो हम लोग उनको उनके तुरंत बोलना चाहिए कि मैंने वैसा किया ही नहीं, बराबर है। तो चुप जब वक्त पर हम लोग खोलना सीख लीजिए, जुम्मा जो है हम लोग की तो वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जो आंसर देना है जो गलती की नहीं है उनका आंसर तुरंत देना सीख लीजिए। वैसे कभी कहता है कुछ करने से पहले जरा सोचिए, कुछ हम लोग दूसरों से कहते हैं तो पहला जरा सोचिए, जो हम लोग बात करेंगे तो जो बात हम लोग कर रहे हैं उसके मतलब दिल में चोट तो नहीं पहुंचेगी, मेरी बात जो हो रही है मैं उसको करूँ तो उनको बुरा तो नहीं लगेगा, ये भी सोचना सीख लीजिए। वैसे कभी हम लोग को ये कविता में बता रहे ख्यालों को तोड़ना सीख लीजिए, हम लोग ख्याल मतलब विचार जो हम लोग हमेशा सोचते हैं वो खुद तोड़ना सीख लीजिए। हम लोग बोलने से पहले जो भी वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हम लोग को पता रहता है हम लोग उसको क्या आंसर दे रहे, मैं अभी आपको सिखाई तो हम लोग को पता है मैं आपको क्या करूँ, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी वैसे करते कि जो बोलते हैं तो पहले हम हमेशा तू हम सब जन हम लोग पहले बोलते हैं पहले सोचते हैं अपने दिमाग में पहले सोचते हैं ये बात उनको बतानी है, तो ये बात बोलने से पहले आप तोड़ना सीख लीजिए, मतलब आप बोलने से पहले बैलेंस करिए और बोलिए उनको ये बात है करके, तो तोड़ना सीख लीजिए। कभी का कहना है जो बोलते हैं आप तो भी पहले सोच कर आप उनको उनसे बात करिए, कुछ करने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए, जो हम लोग के विचार है जो हम लोग की बात है जो मन में आ रहे हैं वो उनको बता बोल रहे हैं वो भी सोच कर बोलिए। वैसे कवि कहते हैं आगे देखो क्या क्या कवि कह रहा है, तू तड़ा हो या फिर हो तू तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ा हो तो जो हमेशा हम लोग तुरंत बोलते हैं या फिर तू तू मैं हो, जो हम लोग के झगड़ा हो जाता है और हम लोग इतना झगड़ा हो जाता है कि तू तू मतलब हम लोग के अंदर बहस हो जाती है कि अरे हाँ तुम्हें ये मेरे को वर्ड्स बोला ये वर्ड्स बोल दिया, हम लोग बोलते हैं तुरंत उसको, जो हम लोग झगड़ा रहते हैं हम लोग में दिमाग में नहीं रहता है, जो भी बात रहती है गुस्सा होते तो हम लोग कुछ भी वर्ड्स बोल देते कुछ भी शब्द हम लोग बोल देते हैं, तो अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को मतलब सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं वो सही है या गलत है तभी हम लोग को पता चलेगा, और
जो भी तू तू में हम लोग के बीच में हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो भी क्या होना चाहिए, बाद में हम लोग सॉरी बोल के वो निपटना भी सीखना चाहिए। नहीं तो हम लोग की और भी मतलब जो हम लोग का गुस्सा है, जो हम लोग का जो हो रहा है झगड़ा, वो बाद में क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तुरंत ही वहाँ पे मिठा दो। वैसे कभी कह रहे हैं कि जो भी बात हो रही है कभी उलझा दो, नहीं तो बाद में बिगड़ जाएगा, हम लोग का रिलेशन खराब हो जाता है। वैसे तो वही कवि कह रहा है कि जो भी बात है तुरंत उस समय आप मिट जो भी है वो खत्म कर लो। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी का रंग खोलना सीख लीजिए। देखो कवि ने क्या बताया कि फटाके की तरह जो हम लोग का फटाका जो हम लोग दिवाली के टाइम समय पे हम लोग फटाके खोलते हैं तो फटाके की सिर्फ आवाज आती है, बराबर है। उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, जो हम लोग लगाते हैं जब जो कुछ अगर किसी को हम लोग जलाते हैं तो हम लोग को कैसा हो जाता है, वो जलता है लेकिन बाद में उसका आवाज होता है, उसके फटने के बाद जो आवाज होता है उसके बाद क्या हो जाता है, उसके जो अंदर कलर रहते हैं जो बाहर आते हैं तो हम लोग को देखने में मतलब वो जो अजीब लगता है अच्छा लगता है। तो कवि का कहना है जो हम लोग फटाके फोड़ते हैं जो, तो उनसे आवाज से पहले जो आवाज के बाद जो रोशनी आती है, जो उजाला आता है वो आप देखो, फटाके की तरफ मत फूटो, लेकिन जो उजाला है रोशनी है उस मतलब वो टाइप के आप क्या करो, आपकी वाणी आप जो बोलते हैं वैसे आप सब रंग में मिल जाओ, जो रंग है कलर कलर जो बाकी सब रंग है कलर है जो एक दूसरे में मिलते हैं, वैसे भी आप क्या करो समाज में जो आप रहते हो जो आप टॉपिंग हमेशा करते हैं तो क्या करो आप रंग में मिल जाओ, समाज में जो आप लोग बोलते हैं उसमें सब जो बात कर रहे हैं जो हमेशा आपके दूसरे भलाई में सोचते हैं, जो आपके पेरेंट्स भी आपको हमेशा आपकी मतलब जो अच्छे के लिए आप लोग बोलते हैं आप लोग को बुरा लगता है जो हम लोग पेरेंट्स बार बार बोलते हैं, तो टोकने के पहले उनकी क्या मतलब उनके विचार क्या है तो आप लोग ये समझ लो। तो कवि का कहना है कि फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग खोलना सीख लीजिए। रोशनी के जो मतलब जो कलर आते हैं फटाके के अंदर से वो रोशनी फैलाता है पूरा, वैसे आप लोग की वाणी होनी चाहिए जो आसपास में जो मतलब आप कोई बोलेगा कि ये लड़का कैसे है तो आपके बारे में वही मतलब जो कोई पूछेगा कि लड़का कैसे है वो लड़की कैसे है तो बाद में आपको रिजल्ट आपके पश्चात भी मतलब आपके पीछे भी को कैसा आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वैसे उन लोग का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, उन लोग की टॉकिंग होनी चाहिए बच्चों, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और आगे कुछ कर सकेंगे, वही कवि का कहना है। कवि आगे जाके कहता है, आगे जाके क्या कहता है, कटु वचन तो सदा बोलते हैं कांटे। जो हम लोग कटु वचन मतलब जो हम लोग को कोई बोलता है रूढ़ी बोलता है तो कड़ु हम लोग को कोई हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग को गलत बोलता है तो सदा बोलते हैं कांटे। कोई गलत बोलता है वैसे तो कभी आपके साथ होता नहीं है, गलत कोई बोलेगा और आप सुन लेंगे वैसे हो ही नहीं सकता। जब हम लोग गलत ही काम कर रहे हैं हम लोग मतलब आपके सामने क्या है अभी बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं यही हम लोग आपके सामने है तो आपके पेरेंट्स और कोई आप लोग के घर में जो रहते हैं वो आपको हमेशा बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो आप पढ़ाई करो, बराबर है। और भी कोई जो हम लोग गलत काम कर रहे तो आप लोग को बोलेंगे कि आप अच्छे काम करो, तो कभी अच्छा तो सदा बोलते हैं काटे। जो हम लोग को सच्चे हम लोग गलत कर रहे हैं लेकिन सच्ची बात कोई बता रहा है तो हम लोग को क्या होते मन में लगता है कि क्या बार बार हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग का बिहेवियर उस टाइम पे अलग ही रहता है, तो कटु वचन तो सदा बोलते ही काटे। जो हम लोग की कटु वचन है बातें हैं वो सदा बोलते हैं हम लोग को लगते हैं मन में, अरे मेरे को ही क्या बोलते हैं मेरे को ही हम लोग को बोलते हैं आप हमेशा वैसे आप बिहेवियर कभी करते हैं, तो कटु वचन तो सदा बोलते ही काटे। जो कटु वचन है तो हम लोग को मन में लगता है। मीठी बोली के गुण रोकना सीख लीजिए, मीठी बोली का गुण रोकना सीख लीजिए, तभी हम लोग की जो बात है वो हमेशा मतलब जो बात हम लोग से बोल रहे पेरेंट्स बात कर रहे हैं हम लोग को तभी हम आगे मतलब हम लोग को जो भी बात है हम लोग को डरा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, हम लोग मतलब पेरेंट्स हम लोग के बोल रहे हैं लेकिन हम लोग के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तभी आप लोग सुधार लो। बात बेबात कोई चुनने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुनने लगे
बेबन मतलब क्या बच्चों? बिना। बेबन मतलब बिना। अभी सेकेंड टेस्ट देखो क्या कवि कहता है कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उससे मोंडा सीख लीजिए। बेबात मतलब बिना, बिना कोई आपको कोई बोल रहे। आप काम कर रहे, जो भी आपका कार्य है वो क्या आप कर रहे, आप मन लगाकर कर रहे क्या, और भी कोई आपको बोल रहा है बात बेबात ना, आपको कोई बोल रहा है फिर भी क्या कर रहे, चुभने लगे। चुभने मतलब टोचने लगे, आपको बार बार टोक रहे, आप सही कर रहे फिर भी आपको क्या बार बार टोक रहे, वो ऐसे किया वो ऐसे किया, बार भी बार बार मिस्टेक निकल रहे। तो क्या कहे, बदल कर उससे मोड़कर सीख लेना चाहिए। उस टाइम जो आपने गलती की नहीं है फिर भी आपको बार बार टोक रहा है, तभी आप कभी कह रहे उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। वैसा कभी कह रहे हैं बदल कर उससे मोड़ना सीख लीजिए, तभी उसको तुरंत आंसर देना चाहिए। आप वैसे गलती की नहीं है तो आपको मतलब जो भी बात हो रही है तो सुनने की भी जरूरत नहीं, उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। और आगे कहता है कभी, ये किसने कहा होठ सीख कर बैठो, जरूरत में मुंह खोलना सीख लीजिए। लास्ट में कहा कभी, नहीं देखो ये किसने कहा होठ सीख कर बैठो। सीखकर मतलब सीखकर, जो हम लोग सीखकर जो बैठ चुप बैठे, तो क्या कभी कहते हैं आपने, आपको किसने कहा है कि होठ सीख कर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरूरत आएगी तो आप मुंह खोलना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग हमेशा कोई अपना हम लोग के ऊपर हो रहे हैं और हम लोग सहते ही सर, बार बार वही अपना हो रहा है और हम लोग सहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आप तुरंत उनको जवाब देना चाहिए, वो देते भी आप लोग। वही कभी कहता है कि यह किसने कहा होठ सीख कर बैठो, आपको किसने कहा है, जो आंसर है उसका रिपीट देना सीख लीजिए। जो बेबाक बात हो रही है आपके ऊपर कोई गलती, मतलब जो आपकी गलती की नहीं है फिर भी आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है, तो उसको तुरंत बोलना सीख लो। और कभी यहाँ पे देखो बता रहे कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मैं कभी कह रहा है कि जो भी हम लोग की वाणी है जो मीठी होनी चाहिए, हम लोग जरा प्यार से बोलना चाहिए। हम लोग हमेशा एक दूसरे को प्यार से बोलेंगे, चुप रहेंगे तो बड़े फायदे हो जाएंगे। और जब वक्त आएगा तभी हम लोग की जो जिब्बा है जीभ है वक्त पर खोलना चाहिए, और कुछ बोलने से पहले हम लोग को सोचना चाहिए और उसके बाद आंसर देना चाहिए। जो हम लोग के बीच में तू तू मैं, हम लोग के बीच में झगड़ा हो जाता है तो तुरंत उसके मतलब उनके बाद तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग कभी कह रहे हैं कि फटाके की तरह मत फूटो, लेकिन उसके रोशनी जो कलर जो निकलते हैं उनके बीच में आप मिल जाओ, वैसा कभी कह रहा है। और जो कटु वचन है कभी आगे कहता है कि जो हम लोग की बात पूरी है कटु वचन है वो भी हम लोग को लेकर, हम लोग को साथ लेकर जाना चाहिए। और कोई हम लोग के ऊपर ब्लेम कर रहा है तो उनको तुरंत आंसर देना चाहिए। और होट मतलब जो अपनी गलती की नहीं उनके ऊपर भी आप कोई ब्लेम कर रहा है तो उनको होट सीकर बैठना नहीं चाहिए, उनको प्रत्युत्तर देना चाहिए। वैसे कभी कह रहा है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग की जो पोएम कविता जो थी 6 नंबर की, तो यहाँ पे खत्म हुई है बच्चों। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे आगे वाला लेसन, ठीक है बच्चों?